नमस्ते वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल आज है एलेवेंथ फरवरी 2024 और मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है हमारा आज का पहला टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशियटिव से रिलेटेड टॉपिक है एस एस सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन अब्रॉड इनिशियटिव तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि इसे हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ए ने इंट्रोड्यूस किया है यानी स्टार्ट किया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा बेसिकली यहाँ आपको ये जानना है तो एस एस पी सी ए एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल साइंटिफिक इवेंट्स में हिस्सा लेने चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं जो इंडिया के बाहर हो रहा है तो वहाँ वैसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फिनेशियली इस स्कीम में वैसे स्टूडेंट्स एलिजिबल माने जाएंगे जो ए आई सी टी ई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एम टेक इंटीग्रेटेड एम टेक प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं वैसे स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल माना जाएगा साथ ही साथ उसके पूरे कोर्स में वो एक ही बार इस तरह के स्कीम का बेनिफिट ले सकता है और यहाँ ए वैसे स्टूडेंट्स को दो लाख रुपए तक का फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ये फिनेंशियल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया जाएगा तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वीज़ा एप्लीकेशन एकोमोडेशन एयरपोर्ट टैक्सेस ट्रैवल इंश्योरेंस इक्विपमेंट कोस्ट जो भी उस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड खर्च हो इस तरह के उसमें दो लाख रुपीज़ तक का असिस्टेंस उन्हें दिया जाएगा फिनंशियल एड के अलावा इस स्कीम के अंतर्गत मेंटरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाएगा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि स्टूडेंट इंडिया को ग्लोबली एक इफ़ेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ इफ़ेक्टिवली वो वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी ये मिलेगा और स्टूडेंट्स टीम भी इस तरह के स्कीम में एलिजिबल हैं बेनिफिट लेने के लिए आई ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ए से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं तो इसे 1945 में सेटअप किया गया था जब इसे सेटअप किया गया था तो ये एक एडवाइजरी बॉडी था लेकिन टाइम के साथ इसके पावर्स को बढ़ाया गया 1987 में इसे स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया आप सबको पता है स्टैचुटरी बॉडी वैसे बॉडी को कहा जाता है जिसे पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया हो या फिर पहले से कोई बॉडी हो लेकिन उसे पार्लियामेंट के किसी एक्ट द्वारा मान्यता दे दी गई हो तो उसे हम स्टैचूटरी बॉडी कहते हैं तो ए को नाइनटीन में स्टैचुटरी बॉडी बनाया गया था तो कंट्री में कहीं भी किसी तरह का टेक्निक एजुकेशन हो रहा हो चाहे वो किसी भी तरह का टेक्निकल एजुकेशन हो इसमें टेन फील्ड्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें होटल मैनेजमेंट आर्किटेक्चर फार्मेसी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कैटरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं तो ऐसा कोई भी एजुकेशन के लिए इस इंस्टीट्यूशन के पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पास रेगुलेटरी पावर्स हैं एंड एज वेल एज प्रमोशनल पावर्स हैं एंड एडवाइजरी पावर्स हैं तो ये सारे पावर्स इनके पास हैं 2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ समझ लो कि इसके पावर्स को लिमिट किया था लेकिन फिर 2016 में इसके पावर्स को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया और प्रेजेंट में इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस है इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज और जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनके ऊपर गवर्नेंस में प्रेजेंट टाइम में न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशनस को शुरू करने के लिए या जो पहले से टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें नए कोर्स को शुरू करने के लिए या इनटेक कैपेसिटी में वेरिएशन लाने के लिए ए के अप्रूवल मैंडेटरी है बिना ए आई के अप्रूवल ग्रांट किए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है इंडिया के किसी भी पार्ट में एंड ए आई टाइम टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपना डेलीगेशन भेजता रहता है जिससे नए इंस्टीट्यूशंस नए कोर्सेज को शुरू करने के लिए अप्रूव किया जा सके इसके अलावा ए आई कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स भी लेआउट करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए इसके साथ साथ ए उन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम्स को एक्रीडिटेशन भी प्रोवाइड करता है एज पर देयर परफॉर्मेंस और ये आम लोगों के बीच में इंश्योर करता है उस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को लोग ये देखते हैं कि एआईसीटी ने इसे अप्रूवल दिया था और एआईसीटी ने एक्रीडिटेशन दिया है और जिस तरह का एक्रीडिटेशन होता है उस तरह से उस इंस्टीट्यूट की एक रैपो होती है लोगों के बीच में लोग उसी तरह से उसको ट्रीट करते हैं इसके साथ साथ ए अपना कुछ प्रमोशनल रोल भी प्ले करता है देखो रेगुलेटरी रोल तो इसका है ही सारे के सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पर लेकिन साथ साथ प्रमोशनल रोल्स रोल भी है इसका जैसे वुमेन के लिए या हेंडी के लिए या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए फैकल्टी को अधिक से अधिक लाया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनको कैसे आगे लाया जाएगा तो इसके लिए इसका कुछ प्रमोशनल रोल है जिसके लिए ये अलग अलग ग्रांट्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एंड इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंडर ये काम करता है सो so ये कुछ फैक्ट्स थे ए आई एंड एस एस से रिलेटेड एंड आई होप एग्जाम में आपके ये बहुत काम आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक अजंता एंड एलोरा केव्स गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एक टॉपिक है और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता और एलोरा केव्स को स्वदेश दर्शन स्कीम सेकेंड में इंक्लूड किया जाएगा अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति संभाजी नगर में लोकेटेड है एंड ये दुनिया के फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं एनशियंट रॉक कट केव्स में देखो दुनिया में होते होंगे सेवन सरप्राइजेज सात आश्चर्य होंगे लेकिन जब कोई भी साइंटिस्ट हमारे देश में आता है अगर वो अजंता एंड एलोरा केव्स को ठीक से स्टडी करता है तो फिर वो यही कहता है कि इसे एलियंस ने बनाया होगा क्योंकि ये ह्यूमन कैपेसिटी में नहीं है क्योंकि इतने सारे रॉक्स को कट कर निकालना और इतना एक्सपर्टाइज जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे पूरे केव्स को देखेंगे तो यहाँ एरर नाम की चीज़ ही आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इतने सारे यहाँ इस्कल्प्टर्स हैं थाउजेंड के नंबर में हैं स्कल्प्टर्स और बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ इसे बनाया गया है कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है अब आप सोचें कि एक बार ये बनाया जाएगा ये सारा स्ट्रक्चर बन गया है एक भी एरर कहीं हो जाता तो सब कुछ ये बर्बाद हो जाता लेकिन ऐसा एक भी एरर कहीं नहीं मिलता है सारे के सारे स्कल्प्टर अपने आप में मार्वेलस हैं एकदम मार्वल पीस हैं सारे के सारे तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है दूसरी बात कि ये जितने भी कुछ किए गए यहाँ जितना स्टोन होगा ना जितने बड़े बड़े स्टोन बॉर्डरस होंगे यहाँ उसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करना वो भी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की बात है और इसलिए कहा जाता है कई सारे रिसर्चर्स के द्वारा कि इसे एलियंस ने बनाया होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि एलोरा जो एलोरा केव्स हैं उसमें कैलाश टेम्पल है एक और उसे देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और ये लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स है इन द वर्ल्ड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही पूरे दुनिया में ये एक लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है एक स्टोन यानी कि एक पूरा जो रॉक था पूरा चट्टान था उसे काट काट कर ऊपर से काट काट कर एक मंदिर बनाया गया है और उसे कैलाश टेम्पल कहा गया है सो so, ये पूरा का पूरा जो कैंपस है अपने आप में एक यूनिकनेस रखता है और यहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखे जाते हैं हिंदू टेम्पल एंड जैन टेम्पल्स हैं अजंता केव्स टोटल ट्वेंटी नाइन है नंबर में और इसे सेकेंड सेंचुरी बीसी यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से सिक्सथ सेंचुरी ए डी यानी छठी शताब्दी ईस्वी के बीच में बनाया गया है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और पूरा का पूरा पहाड़ को काट काट कर इसे बनाना था तो माना जाता है कि ये जो 800 हंड्रेड ईयर्स का टाइम है इसी बीच में इसे बनाया गया होगा एलोरा केव्स थोड़े अधिक है नंबर में और थोड़ा ज़्यादा स्टेडर्ड है ये थर्टी है नंबर में एलोरा केव्स और ये सिक्स सेंचुरी ए से एलेवेंथ सेंचुरी ए के बीच में बनाया गया है अजंता केव्स में जो अधिकांश केव हैं वो बुद्धिस्ट साइट्स हैं और इसे बुद्धिस्ट मॉन्ग के द्वारा यूज किया जाता रहा होगा केव्स कंसिस्टेड ऑफ सेल्स फॉर मेडिटेशन असेंबली हॉल्स फॉर डिस्कशंस एंड स्तूपा भी यहाँ देखने को मिलते हैं रिचुअल्स करने के लिए इसके अलावा जो एलोरा केव्स है वहाँ पर हिंदू जैन और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स का एक बेटर मिक्स मिलता है क्योंकि अजंता के बारे में मैंने अभी आपको कहा कि मोस्टली जो यहाँ केव्स हैं वो बुद्धिस्ट साइट्स हैं लेकिन एलोरा में एक प्रॉपर मिक्सिंग दिखता है यहाँ हिंदू जैन और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स पूरे इक्वली हैं इन केव्स को कुछ स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के द्वारा सजाया गया है और ये स्कल्पचर्स या पेंटिंग उस समय के स्पिरिचुअल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसमें आपको डेटीज देखने को मिलेंगे देवी देवताएं देखने को मिलेंगे सेलेस्टियल बींग्स मिथोलॉजिकल सीन्स जो होते हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और जो उस समय के एवरीडे लाइफ के कुछ रॉयलिटी देखने को होते थे उस समय के वो आपको यहाँ के स्कल्प्टर्स और पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम की तो इसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और इसका एम था डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द कंट्री और ये हंड्रेड परसेंट सेंट्रली फंडेड है इसमें होता क्या है इस स्कीम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यानी मोदी सरकार किसी भी राज्य सरकार को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कि आप अपने राज्य में कुछ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए कुछ यातायात यानी ट्रांसपोर्ट को बढ़ा लीजिए ताकि कुछ टूरिज़्म वहाँ पर इंक्रीज़ हो पाए जो टूरिज़्म है वहाँ का डेवलप हो पाए और यहाँ यूटी हो चाहे कुछ और ऐसा बॉडी हो स्टेट के अलावा तो उसे भी इस तरह का फंड दिया जाएगा और एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का फैनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया तो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी यानी कि बस के लिए सिर्फ पैसे दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ठीक है लेकिन बस को डेली जो चलाया जाएगा बस की जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करना होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी देने नहीं जा रहा और स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है तो स्वदेश दर्शन 2.0 में लगभग सारी बातें वही है थोड़ा उसमें कुछ और डेस्टिनेशंस को जोड़ा गया और टाइम टाइम पर और भी जोड़ा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल जो हाल ही में हम अभी तुरंत पढ़ रहे हैं अजंता एंड एलोरा केव्स तो इस तरह से कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है लेकिन साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इसमें लाया गया था स्वदेश दर्शन टू पॉइंट ओ के अंडर और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी मॉडल पर काम होता है टूरिज्म सेक्टर में उस पर भी काम किया गया और यही एक जो चीज़ लाया गया था इसी के कारण जो अडानी बदनाम हो गया था कि अडानी को बहुत सारे चीज़ बेच दिए गए हैं जैसे लाल किला बेच दिया गया या फिर कुछ भी ऐसा तो वो इसी स्वदेश दर्शन 2.0 के अंडर किया गया था आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप एग्जाम में ये फैक्ट्स आपके कुछ काम आएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट डब्लू रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने सेवेंथ फरवरी के दिन डब्ल्यू समिट को इनाग्रेट किया था और ये नाइन्थ फरवरी 2024 तक चला सक्सेसफुली चला और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी साल टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं इसे 1974 में इस्टेबलिश किया गया था टेरी को हम देखेंगे अभी तो टेरी का ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है डब्ल्यू वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट तो डब्ल्यू के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं एरी एक लीडिंग थिंक टैंक है ये एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंडिया और ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च कंडक्ट करना इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये भारत सरकार के अंडर काम नहीं करता है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दुनिया भर के रिसर्चर्स इसमें रिसर्च करते हैं पॉलिसी फॉर्मूलेशन पर ध्यान देते हैं पूरे दुनिया भर के कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन ये सारे इसके कैपेबिलिटीज हैं कि ये रिसर्च करता है पॉलिसी फॉर्मूलेशन कंसल्टेंसी का सर्विस प्रोवाइड करता है और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है ये इतना सारा है इसका एक्सपर्टाइज़ या कैपेबिलिटीज है हिस्ट्री अगर इसका देखें तो इसे इस्टेबलिस किया गया था 1974 में एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर लेकिन 1982 से ये रिसर्च शुरू कर देता है रिसर्च एक्टिविटीज़ ये स्टार्ट कर देता है क्योंकि टेरी का अपना एक फर्म कन्विक्शन है इसका एक दृढ़ मान्यता है कि एनर्जी का अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पूरे अर्थ पर या कम से कम इंडिया और ग्लोबल साउथ के लिए यह डेडिकेटेड है तो एनर्जी का अगर यूटिलाइजेशन एफिशिएंट हो तो फिर ये सस्टेनेबल तरीका होगा नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का या फिर लंबे समय तक यूज कर पाने का यहाँ सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूँ बहुत लोग हैं आप लोगों में से जो सिर्फ सस्टेनेबल सस्टेनेबल कहते हैं लेकिन सस्टेनेबल का रियल मीनिंग नहीं जानते हैं आप सबको ऐसे समझाता हूँ कि देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जी हो डेवलपमेंट को हम जीडीपी से ही जोड़ते हैं या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स से जोड़ते हैं तो देखो जीडीपी बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा इंडस्ट्री बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ता है तो वहाँ क्या होगा वहाँ स्कूल्स बढ़ेंगे वहाँ पर सबको जॉब होना चाहिए वहाँ सबको सारी चीज़ें होनी चाहिए दैट मीन्स वो सारी बातें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें ले जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट का मीनिंग हो जाता है पॉल्यूशन और वहीं अगर आप इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है इन्वामेंट का मीनिंग है कि हम अपने डेवलपमेंट को रोक दें फैक्ट्रीज सारे बंद कर कर दें हम जहाँ पे कोयला जलता है वो सारे फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें बिल्कुल हम पेड़ लगाना शुरू कर दें जंगलों में जाकर रहने लगे अगर फुल्ली इन्वायरमेंट के बारे में सोचें हम तब तो हमें कार भी नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें पॉल्यूशन होता है इवन इलेक्ट्रिक कार भी कैसे खरीदें क्योंकि आप इलेक्ट्रिक कार तो चला रहे हैं आपकी कार तो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से लेकिन आप जो उसे चार्ज कर रहे हैं ना अपने घर में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है जिससे आप कार को चार्ज कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कोल बर्निंग से आ रहा है इंडिया में कितने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं हमारा एटी परसेंट एनर्जी नीड्स तो कोल बर्निंग से हो रहा है तो कोल बर्निंग हो चाहे पेट्रोल बर्निंग हो कार में डीजल बर्निंग हो बात तो एक ही है तो अगर हम इन्वायरमेंट को ठीक से बचाना चाहें तो हमें तो कार या फैक्ट्री या किसी भी उस तरह का जितना भी चीज़ है सबको बंद करना पड़ेगा तो बीच का रास्ता क्या होगा बीच का रास्ता ये होगा कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके इन्वायरमेंट को भी हम अच्छे से ध्यान दे सकें इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट होने ना दें तो बीच का जो रास्ता होता है ना मध्यम मार्ग मीडियम पाथ उसी को कहा जाता है समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट इंश्योर करना यानी हम बहुत अधिक कोल बर्निंग नहीं करेंगे लेकिन कोल बर्निंग करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है सारे लोगों तक सुविधाएं भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है सारे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है सारे लोगों का पॉवर्टी दूर होना बहुत ज़रूरी है सारे लोगों को एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है तो हम डेवलपमेंट भी करें अपना साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें और इसके लिए हम जो भी मेजर्स लेंगे ना उसी को कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो एक रफ सेंस में मीनिंग यही होता है कि डेवलपमेंट जो जी डेवलपमेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्री ये सब बातें हैं तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही अपने आप में है सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे क्या दिक्कत है इसको याद रखने में डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच के बैलेंस को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं धारणीयता कहते हैं और चेरी का वर्क क्या है तो जो भी रिसोर्सेस हैं उसके एफिशिएंट यूज को प्रमोट करना कोल ही है तो उसके एफिशिएंट यूज को प्रमोट करना इंक्रीजिंग एक्सेस एंड अपटेक ऑफ सस्टेनेबल इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस जो भी सस्टेनेबल इनपुट्स हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको उनके लिए एक्सेस को बढ़ाना उनका अपटेक में हेल्प करना स्टेट्स को या फिर गवर्नमेंट्स को ये इसका काम है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट जितना भी क्लाइमेट या इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है हमारे एक्टिविटी से उस वो कम से कम हो सके इस फील्ड में रिसर्च करना इस एरी का एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है अब आइए बात करते हैं हमारे इस डब्ल्यू समिट की तो ये 2001 से होता आ रहा है और इसका काम है कि वर्ल्ड के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना सारे रिसर्चर्स को और वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कुछ जो मीटिंग हो सब अपने अपने विचार रखें तो ये एक इंटरनेशनल समिट होता है और इसे इंडिपेंडेंटली कन्वे किया जाता है और यहाँ सारे लोग आते हैं दुनिया भर से और अपनी अपने विचार रखते हैं टू का ये डब्ल्यू समिट अपने आप में ट्वेंटी थर्ड एडिशन है इस समिट का और टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का थीम रहा लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है आपको पता रहने चाहिए आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में जरूर काम आएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सारथी पोर्टल जो अपने आप में गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और इसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनवील किया था रिलीज किया था और इसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और यू एन डी पी इंडिया दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ये दोनों का जॉइंट कोलेबोरेशन है और यहाँ ये जो सारथी पोर्टल है इसका फुल फॉर्म क्या है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस तो यही समझ लो कि ये एक एक्रोनिम है तो एब्रीविएशन और एक्रोनिम क्या होता है एब्रीविएशन तो समझ लो कुछ इस तरह से होता है कि आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये अपने आप में एब्रीविएशन है लेकिन जब इस तरह से जोड़ तोड़ कर आ, कुछ तैयार किया जाता है ना ये सारथी के जैसा तो इसे हम एक्रोनिम कहते हैं जनरली तो बेसिक डिफरेंस आपको पहले से पता ही होना चाहिए तो सारथी पोर्टल एक्चुअली है क्या तो यही समझ लो इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं उसके लिए ये अपने आप में एक अमेजॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है यहाँ फार्मर्स के पास जो भी नीड है इंश्योरेंस को लेकर वो इस पोर्टल पर सारे के सारे होंगे और ये पोर्टल अपने आप में सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो सब यहाँ इनलिस्टेड होंगे किसान जो भी स्कीम चाहे पसंद कर सकता है वो व्यू कर सकता है उसके फीचर्स को देख सकता है परचेज कर सकता है और जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसे अवेल कर सकता है किसान डिजिटली या फिर इसके अलावा जो नन पी एम एफ बी वाई इंश्योरेंस है यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो स्कीम्स नहीं आते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स नहीं आते हैं वो भी इस पोर्टल पर इनलिस्टेड होंगे तो ये जो नन पी एम एफ बी वाई इंश्योरेंस है उसे तीन फेज में बांटा गया है फर्स्ट फेज है जिसमें किसान पर्सनल एक्सीडेंट हॉस्पिटल कैश पॉलिसीज ये सब बाय कर सकते हैं सेकेंड फेज है जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस शॉप एंड होम इंश्योरेंस और थर्ड फेज में ट्रैक्टर टू व्हीलर लाइफ स्टॉक्स जैसे मवेशी इन सब के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा तो याद रखना नन पी एम एफ बी वाई और पी एम एफ बी वाई दोनों तरह का स्कीम इस पोर्टल पर मिल सकता है उन्हें वो उन्हें देख सकते हैं सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं इसके अलावा जो पेमेंट ऑप्शंस होगा उसे प्रीमियम कलेक्शन से स्ट्रीमलाइन किया गया है तो ठीक है ये सब उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है लेकिन हाँ जो भी उनका क्लेम होगा सपोज कि उसने ठीक से इंश्योरेंस लिया प्रीमियम ठीक से देता आया है लेकिन उसका अगर क्रॉप इंश्योरेंस है और क्रॉप वहाँ फेल कर जाता है सपोज उसकी एक्सीडेंट हो जाती है तो फिर जो भी क्लेम के लिए वो इनिशिएशन करेंगे प्रोसेस का वो सब वो डिजिटली कर पाएंगे किसान को अपने खेत छोड़कर अपने काम छोड़कर दफ्तर दफ्तर चक्कर नहीं लगाने हैं वो ऐप से ही अपना क्लेम को इनिशिएट कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं उनका जो भी क्लेम इनिशिएशन किया गया है तो जो भी कंपनी है या सरकार का ऑफिस है वो कितना काम किया है वो उसे ऐप से ही पोर्टल से ही ट्रैक कर सकते हैं और उसका रिजोल्यूशन भी पोर्टल पर ही हो जाएगा तो ये सारी बातें होंगी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का एक बहुत हाई रेंज इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा किसानों के लिए और इस तरह से सारथी पोर्टल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको यहाँ बताया है इस टॉपिक में सारथी पोर्टल को जानने के बाद हो सकता है एक कन्फ्यूजन आपको रहे तो याद रखना सारथी के ही जैसा एक और पोर्टल है सारथी परिवहन और वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर है तो हमेशा याद रखना सारथी परिवहन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर काम करता है जहां लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस ये सारे लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर उन्हें कन्वीनियंस मिलता है सिटीजन्स को इन सारे लाइसेंस के रिगार्डिंग और इसके अलावा जो मैंने बात की अभी सारथी जो हमारा टॉपिक था वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर वर्क करेगा सो देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस तो ये फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी रेडी सर्टिफिकेशन जो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो पता हो आपको कि गवर्नमेंट के बॉडी हैं दो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यू एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओ तो ये दोनों बॉडी क्यू एंड ओ इन दोनों ने मिलकर डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका काम है जो इंडिया के एम एस हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ेज उनके डिजिटल रेडीनेस को एसेस करना और सर्टिफाई करना इस पोर्टल पर कुछ ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जहां एम जाकर अपना इवेलुएशन कर सकते हैं अपने प्रिपेयर्डनेस को इवेलुएट कर सकते हैं तो इसे ऐसे समझो हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहा हो तो आप इसे ऐसे समझो कि कोई भी एम एस है अगर वो सेलर है चाहे वो गुड्स को सेल करता हो चाहे वो सर्विसेज सेल करता हो तो वो अपने कस्टमर्स को सर्व करने में डिजिटली सर्व करने में कितना कैपेबल है इसकी एवेल्युशन करने के लिए इस पोर्टल पर कुछ टूल्स कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जिसे एम एस एम ईज को पास करना है तो इस तरह से एम एस एम ई को सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो किस तरह से डिजिटली कैपेबल है और अगर मान लो कि किसी एम एस एम ई को सपोज लेट से कि वहाँ पर ए बी सी करके कुछ ग्रेडिंग की गई है तो सपोज़ किसी एमएसएमई को बी ग्रेड मिल जाता है कि आप डिजिटली कैपेबल हैं लेकिन बी ग्रेड में आप ए ग्रेड में नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो एमएसएमई रात दिन मेहनत करेगा कि वो ए ग्रेड में आ जाए तो जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है डिजिटल सर्विसेज में उसे वो कम्प्लीट करेगा तो इस तरह से उस एम के जो बिजनेस पोटेंशियल है उसमें एक इंक्रीज़ देखा जाएगा उसकी डिजिटल कैपेबिलिटीज में इंक्रीज आएगी तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है और इस पोर्टल पर डिजिटल सर्टिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाली है क्योंकि यहाँ डिजिटल रेडनेस को लेकर वेरियस एस्पेक्ट्स को इवेलुएट किया जाएगा और ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस है उसे चेक किया जाएगा सॉफ्टवेयर के यूज में या फिर टेक्नोलॉजी के यूज में प्रोफिसियंसी को चेक किया जाएगा कि एम कितना प्रोफिशियंट है सॉफ़्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी को यूज करने में एंड डिजिटाइज वर्क फ्लोज को इंटीग्रेट करने में जो भी एग्जिस्टिंग डिजिटाइज वर्क फ्लोज है उसे इंटीग्रेट कर कितने अच्छे से काम कर पाता है यानी कि ऑर्डर की डिलीवरी जितने अच्छे से वो टेक्नोलॉजी का यूज करके दे पाता है क्या कंप्लेंट्स भी उस तरह से सॉल्व होते हैं क्या रिटर्न भी उतने अच्छे से हो जाते हैं तो ग्रीवानसेस कस्टमर केयर कितना अच्छा है तो वो सारे इंटीग्रेटेड मैनर में होने चाहिए एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि नहीं टेक्निकली तो इन सारी बातों के आधार पर ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है और अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है क्योंकि ये इनिशिएटिव जो भी एम एस एम ईज हैं खासकर जो सेलर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो डिजिटल इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन सकें और दैट्स वाई दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तो इसे 1997 में इस्टैब्लिश किया गया था आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी तो याद रखना यहाँ डी एंड सम इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसे इस्टैब्लिश किया गया था यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को और ये अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड्स ऑफ क्यू के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है प्राइमरीली इसमें नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज होता है एन ए बी सी बी एंड नेशनल एक बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एन ए बी एल इसमें होते हैं कंपोजिशन की बात करें तो इसे गवर्न किया जाता है काउंसिल ऑफ थर्टी एट मेंबर्स के द्वारा एंड चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट सो ये कुछ फैक्ट्स थे डीजी रेडी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आई होप एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदि महोत्सव जो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है आदि महोत्सव एक एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है ट्राइबल मीनिंग होता है एनीथिंग रिलेटेड टू ट्राइब्स आदिवासियों से संबंधित कुछ भी हम ट्राइबल कहते हैं तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है ये एक तरह का फेयर है जिसे न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया गया है फ्रॉम टेंथ फरवरी टू एटीनथ फरवरी 2024, इसका इनोग्रेशन किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑफ कोर्स सी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की पहली आदिवासी प्रधानमंत्री हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड ये जो आदि महोत्सव है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है ट्राइफेड के द्वारा ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर सो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करता है ट्राइफेड और ट्राइफेड ने आदि महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया था एंड ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मल्टीपल गोल्स हैं एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्राइबल पीपल को ताकि वो यहाँ अपना एक्स्ट्रा टैलेंट और लोगों को दिखा सकें वो अपने क्राफ्ट्समैनशिप को दिखा सकें वो अपने हैंडी क्राफ्ट आर्ट नेचुरल प्रोड्यूस और डिलेक्टेबल ट्राइबल क्वीन यहाँ प्रेजेंट कर सकें और लोगों के बीच में उनका एक डिमांड अगर बढ़ता है ना तो फिर उनके इम्पावरमेंट का भी एक रास्ता खुलता है अगर एक नॉर्मल मार्केट में ट्राइबल प्रोडक्ट्स की एक डिमांड बढ़ती है तो जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस में इंक्रीज आएगा जिससे जो ट्राइबल लोग हैं ना उनका लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में तो ये एक गोल होता है और यहाँ करीब 300 से भी अधिक स्टॉल्स होते हैं जहाँ ये ट्राइबल्स अपने अपने जो भी उनका जो पोटेंशियल होता है वो अपना पोटेंशियल यहाँ वो शो करते हैं साथ साथ ट्राइबल्स को भी मौका मिलता है जो बाहरी लोग हैं शहरी लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का उनसे कुछ सीखने का और जो शहरी लोग हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ट्राइबल लोगों के एम्पावरमेंट में वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें इसके अलावा आप बात करते हैं ट्राइफेड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की तो ट्राइफेड एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है याद रखना जो ट्राइबल लोग होते हैं ना वो हैंडी में बहुत अच्छे होते हैं तो उनके हैंडीक्राफ्ट होते हैं और उनके द्वारा कलेक्टेड नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे रॉक साल्ट होता है या फिर हनी होता है या बहुत सारे हर्ब्स होते हैं वो ये इकट्ठा करते हैं जंगलों से और जंगल से जो भी प्रोडक्ट इकट्ठा हुआ है उसका डेवलपमेंट और उसका अच्छे से मार्केटिंग हो सके ताकि ट्राइबल लोगों को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो कुछ फिनेंशियल उनका प्रॉफिट हो सके ये मैंडेट है ट्राइफेड का ट्राइफेड दिन रात इसी काम में लगा रहता है ट्राइफेड को 1987 में स्टेब्लिश किया गया था इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के अंडर रजिस्टर किया गया था लेकिन अभी प्रेजेंट में इसकी रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू थाउजेंड टू के अंडर की हुई है और इसका मैंडेट क्या है तो ट्राइबल्स के कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन करना और उनके मार्केटिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पूरे देश भर में उनके मार्केटिंग को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो ट्राइफेड है इसे इंटरेस्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि जो भी जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो भी ट्राइबल्स का अपना कुछ फॉरेस्ट में इकट्ठा किया हुआ सामान है उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लाया जा सके उसके लिए भी इसे इंटरेस्ट कर दिया गया है फ्यूचर में कभी हमें ऐसा देखने को मिले कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो आदिवासी इकट्ठा करते हैं उसके लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा कि उससे कम में कोई नहीं खरीदे ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनका शोषण ना हो सके उनका एक्सप्लाइटेशन कहीं से भी ना हो सके ट्राइफेड का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में आई होप ट्राइफेड और आदि महोत्सव से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सो आई होप सो ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग